हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम ट्रू। मैं राहुल राज आप सबके सामने आज फिर से हाजिर हूं और आज के सेशन के अंदर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट आरआरबी जेई पार्ट 3। यानी कि हमने दो प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं और बहुत अच्छे से मैंने आपको वो सारा प्रैक्टिस सेट करवाया है। यानी कि उसके अंदर में मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया और हर एक क्वेश्चंस के आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से उसका मतलब कि सॉल्यूशन देते हो और उससे आपको सीखने को बहुत ज्यादा कुछ मिलता है। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का तो ऐसे बताता ही बताता हूँ, फिर साथ ही साथ उसके ऑप्शन के थ्रू भी जितने भी आंसर्स होते हैं या फिर कुछ भी रिलेटेड उसके कुछ भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को भी मैं आपको साथ में साथ ही साथ करवाता जाता हूँ, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिट होता है। आपको और भी कुछ देखना नहीं पड़ता होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, इतना कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सफिशियंट होता है जो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग आज का भी सेशन करने वाले हैं और आज के सेशन के अंदर में भी हम लोग उसी तरह आपके सामने क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे और आपको उसका आंसर देना होगा विद इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूँ, वही जो पिछले हमेशा से कहता आ रहा हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हो यार, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर पहली बार चैनल पे आओ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी कोई भी वीडियो इस पे अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपके फोन पर आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में व्यक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ या फिर 1 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर बताइए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताऊं, आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 वर्ष। दोस्तों इसमें बात किस चीज का किया जा रहा है, राष्ट्रपति का, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट का बात हो रहा है। तो अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले उनके आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक राष्ट्रपति जो है बिलोंग करता है, उनका शासन बिलोंग करता है, उनका निर्वाचन बिलोंग करता है, उनकी नियुक्ति जो है जिसे कहते हैं वो बिलोंग करती है, उनका समाप्ति जो है कार्यकाल का वो बिलोंग करता है। तो आपको देखो एक चीज ध्यान देना, 52 से लेकर 62 जो आर्टिकल है ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट और यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति से बिलोंग करता है। और इसके अंदर में जो 62 नंबर जो आर्टिकल है दोस्तों ये हमें ये बताता है कि आपका अगर राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति अगर है उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसमें आपको कितने दिन के अंदर में उनका पूरा नियुक्ति हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक चीज बताऊं कि इनकी जो नियुक्ति हो जानी चाहिए वो आपका 6 मंथ के अंदर में हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। लेकिन एक चीज सोचने की बात यहां पर ये आ जाती है कि क्या 6 मंथ ही क्यों बोल रहा है, 9 मंथ क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक चीज और लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको मात्र ये 6 मंथ तक ही संभाल सकते हैं, 6 मंथ तक ही संभाल सकते हैं, बस इनके पास 6 मंथ तक का ही राइट होता है। तो इसलिए 6 मंथ तक जो जब उनका वो जब रिटायर हो जाते हैं या फिर उनका पद की अवधि खत्म हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उनके पद को 6 मंथ तक संभालते हैं। तब तक क्या किया जाता है कि तब तक आपको इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है कर लेनी होती है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होगा, 2 होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, जैसे कि उपराष्ट्रपति के बारे में बात आती है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में भी बता देता हूं, इनके टाइम इनका कितना टाइम होना चाहिए। तो एक चीज और आप जान लो कि उपराष्ट्रपति का जो समय अंतराल है मतलब कि उनके कार्यकाल खत्म होने वाले हैं उससे आपको 60 दिन पहले, उससे आपको 60 डेज पहले आपको इनकी नियुक्ति कर लेनी होती है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे तो आप 60 दिन बताओगे, अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो आपको 6 मंथ बताओगे। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इग्जो जीव विज्ञान में
किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जीवित जीवों के बाह्य लक्षण, दूसरा है पृथ्वी के सतह पर जीवन, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, तीसरा नंबर और चौथा नंबर जो है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको बता दूं ग्रेजुएशन के बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में आ रखा है, तो आपको इसका आंसर बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त दोस्तों, और अब आपको इसका जो सही उत्तर है जो आपको लिखा है एक्सो जीव विज्ञान, ठीक है, देखो एक्सो जीव विज्ञान, एक्सो जीव विज्ञान, ठीक है, इसको इंग्लिश में एक्सो बायोलॉजी बोला जाता है, एक्सो बायोलॉजी, ये जो होता है सबको ध्यान दो यहां बोर्ड पे और कहीं नहीं, देखो एक्सो बायोलॉजी जो होता है ये दोस्तों चीज आपको याद होना चाहिए, एक्सो बायोलॉजी के अंदर में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर में ग्रहों ग्रहों और अंतरिक्ष, ठीक है, मतलब कि ग्रहों के बाह्य आवृत्ति के बाह्य, जो आपका ऑप्शन नंबर चार है ग्रहों बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष अंतरिक्ष पर जीवन जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन आपको कंफ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकता है, जैसे वायुमंडल के बाहर या परत या फिर पृथ्वी के सतह पर जीवन या फिर जीवित जीवों के बाह्य लक्षण, बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको सही आंसर क्या, ग्रहों के बाह्य, ठीक है, बाह्य ग्रहों और उनके अंदर में अंतरिक्ष के अंदर में जो जीवन होता है उसके बारे में इसके अंदर में हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, किसमें, एक्सो बायोलॉजी के अंदर में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है, प्राचीन वेद के बारे में बात किया जा रहा है, आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली मैं जो आज बताऊंगा आप लोगों को अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी देखो, जिसको नहीं पता होगा वो लोग तो डेफिनेटली देखो और याद करने की कोशिश करो, अगर नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर में नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि प्राचीन वैदिक जो है किस युग की सभ्यता के बारे में प्राचीन सूचना दी गई, किस मतलब कि वेद के अंदर में। देखो आपको सबसे पहले मैं देखो कितने वेद होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दो, सबसे पहले तो दोस्तों आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर में पहले ये जानो कि इसके अंदर में किस किस चीजों के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों इसके अंदर में हमेशा याद रखना कि ईश्वर की प्रार्थना, ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ इसके अंदर में चिकित्सा के बारे में बताया गया है, और चिकित्सा वो भी कैसी चिकित्सा, प्राचीन पूरा चिकित्सा यानी प्राचीन काल में कैसी चिकित्सा की जाती थी, तो उसके बारे में इसके अंदर में आपको वेद जैसा इसके अंदर में आपको जो चिकित्सा जो हुआ करते थे पहले प्राचीन काल के अंदर में, तो वो उसके बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि पहला आपका हुआ करता था वायु चिकित्सा, ठीक है, और फिर आपका हो गया सौर चिकित्सा, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से जो चिकित्सा की जाती थी उसको सौर चिकित्सा बोला जाता था, फिर एक और हुआ करता था मानस चिकित्सा, मतलब ये तो जनमानस की मानव के द्वारा जो चिकित्सा किया जाता था मानव चिकित्सा, ठीक है, ये सारी चीजें के बारे में किसमें बताया गया है, तो ऋग्वेद के अंदर में ये सारा कुछ डिस्कशन किया हुआ है। अगला वेद के अंदर में चलते हैं, अगला वेद है दोस्तों आपका सामवेद, ठीक है, सामवेद, इसके अंदर में आप याद रख सकते हो कि सामवेद के अंदर में सारा का सारा कुछ जो रिलेटेड है वो सारा संगीत से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तीसरा वेद है हमारा अर्थवेद के अंदर में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थवेद के अंदर में देखो यहाँ पर अर्थ आ रहा है ना, अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड याद रखना, आपके कोई भी अर्थ अगर अर्थवेद के बारे में पूछ दे आपको तो हमेशा याद रखना अर्थ पे क्या होता है, जड़ी बूटियां उगती है, तो जड़ी बूटी के बारे में इसके अंदर में बात किया गया है, आयुर्वेद के बारे में बात किया गया है, आयुर्वेद के बारे में इसके अंदर में बात किया गया, साथ ही साथ इसके अंदर में चमत्कार,
चमत्कार वगैरह के भी बारे में इस वेद ग्रंथ में बात किया जाए। एक और है दोस्तों, आपका अर्थवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, एक होता है यजुर्वेद, उसके बारे में भी जान लो। देखो यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, यजुर्वेद दोस्तों, इसके अंदर में आत्मा, इसके अंदर में आपको यहां लिख दे रहा हूं, आई होप सो आपको विजिबल हो, यजुर्वेद के अंदर में आपको आत्मा, ईश्वर, ठीक है, आत्मा, ईश्वर, इन सारी चीजों के बारे में आपको यजुर्वेद के अंदर में आपको बताया गया है, इसके बारे में इसके अंदर में डिस्कशन किया हुआ। आई होप सो कि आपको एक जगह ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको स्टडी कोच के माध्यम से ये सारा कुछ आपको सही ढंग से क्या क्या आपको पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि चिकित्सा से रिलेटेड कौन सा वेद है, अभी जैसे कि आपका यही तो क्वेश्चन है कि चिकित्सा रिलेटेड कौन सा आपका ये है, प्राचीन वेद से रिलेटेड कौन सा वेद के अंदर बात किया गया, तो ऑब्वियस बात है ऋग्वेद, क्योंकि इसके अंदर चिकित्सा के बारे में बात किया गया, ठीक है। अगर इसमें क्या हो, अगला क्वेश्चन कभी आपको दिख जाए कि संगीत से रिलेटेड कौन है तो सामवेद होगा, अगर आपको दिख जाए कि अर्थवेद से रिलेटेड कौन है तो आपको जड़ी, अर्थवेद के अंदर किस चीज के बारे में बात किया तो जड़ी बूटी, आयुर्वेद, चमत्कार, ऐसे क्वेश्चन। देखो आप फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे लैंग्वेज भी यूज करो, बहुत इजी लैंग्वेज, कुछ हार्ड नहीं, जो याद करना है हमें बस वही याद करना, कोई फालतू का चीजें नहीं। अगर आप अभी विकिपीडिया खोलोगे तो हजार चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन उतना हमको जानना नहीं है, क्या फायदा, इतना शुल्क होते हैं इसमें, ये कभी पूछा ही नहीं जाता, क्यों याद करें हम उसे, ठीक है। जो आपको जीए के अंदर पूछा जाएगा बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं, और आपको इस तरह से याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था, आपके ऑप्शंस हैं कांची, तक्षशिला और नालंदा या फिर बल्लभी, कौन सा आपके ऑप्शंस, कौन सा इसमें होने वाला सही आंसर, आप आंसर बताओ और आपका टाइम स्टार्ट होता है तब। समय समाप्त, अब मेरा समय, मैं आपको आंसर बताऊंगा, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए उत्तर गुप्त के बारे में बात किया गया है कि उत्तर गुप्त युग में, ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले ये याद रखो कि गुप्त युग, ठीक है, गुप्त काल या फिर गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, श्री गुरु, श्री गुप्त जो थे इसके संस्थापक थे, ठीक है, इसमें कोई टेंशन देने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब याद रखना कि श्री गुप्त हुए इसके संस्थापक, इसी गुप्त वंश के अंदर में आते थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इसके उत्तराधिकारी हुआ करते थे कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है। इनका एक और नाम हुआ करता था, वो है गोविंद, गोविंद गुप्त, ठीक है। एग्जाम में हमेशा देखना या तो कुमार गुप्त दिया हो या तो गोविंद गुप्त दिया हो, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। इसी शख्स ने, कुमार गुप्त शख्स या फिर आप गोविंद गुप्त कह लो, एक ही नाम है, दो नाम मतलब एक ही इंसान का दो नाम, समझ जाओ, ठीक है। इसी शख्स ने, इसी इंसान ने 450 ईस्वी के अंदर में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, कब, 450 ईस्वी के अंदर में नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में विख्यात हो गया था उस वक्त, 450 ईस्वी के अंदर में कुमार गुप्त, जिसका नाम गोविंद गुप्त भी था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश के अंदर में जो स्थापना किया था किसने, श्रीगुप्त ने किया था। इतने सारे क्वेश्चन आपको देखो कितने जल्दी मैंने एक क्वेश्चन के रिलेटेड में इतने सारी चीजें बता दी, क्लियर है बात, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, आई होप सो कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका, कि भारत में गरम दलित आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
समय समाप्त। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहे कि भारत का गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। देखो मैं दो चीज बता रहा हूं, पहले ये समझने की कोशिश करो। पहला चीज तो ये कि दो दल हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से दल हुआ करते थे? तो वो जो दल हुआ करते थे आपका, वो होते थे पहले तो गर्म दल होता था, और दूसरा जो दल हुआ करता था वो नरम दल हुआ करता था, ठीक है। नरम दल का जो पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को नरम दल का पिता कहा जाता है। गरम दल का जो पिता कहा जाता है दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो थे वो इंसान वो थे बाल गंगाधर तिलक। और इससे इनसे जो रिलेटेड एक चीज और है जो आपको याद होना चाहिए कि इनको जो है हिंद राष्ट्र का पिता भी कहा जाता था। याद रखो मैंने क्या क्या बताया आपको, दो दल हुआ करते थे, नरम दल गरम दल। नरम दल के जो पिता कहे जाते थे वो जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता था। गरम दल का जो कहा जाता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता, एक और नाम से जाना जाता था। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए कि हिंद राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है आपका सही उत्तर, सही आंसर होने वाला है। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप जो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। मुझे मोटिवेट करो, जितना मैं मोटिवेट हूँ उतना ज्यादा आपको और भी जानकारी जो दे सकता है, ऐसे भी बहुत ज्यादा जो आपके लिए यूजफुल होता है वो जानकारी तो देता हूँ, लेकिन और भी ज्यादा कोशिश करूंगा, और भी ज्यादा कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, और डेफिनेटली आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला आपको एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, आईएमएफ की स्थापना कब नहीं है, डैक से हुई थी, ठीक है। कौन से सम्मेलन से हुआ था आपके सामने? ऑप्शन है बर्लिन सम्मेलन, दूसरा है लंदन सम्मेलन, तीसरा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, चौथा है रोम सम्मेलन, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि आईएमएफ के बारे में बात हो रहा है, सबसे पहले जान लो, चलो ठीक है। सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर आपको ये आपको दिख रहा होगा, तीसरा नंबर जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, इसके थ्रू आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब बात ये उठती है कि आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब, पूछा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज जो है हमें जानकारी में पता है आपको, मैं उस क्वेश्चन के थ्रू जितना भी जानकारी होता है वो सारा कुछ दे देता हूं आपको। तो इसमें ध्यान दो, यहाँ आईएमएफ का जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1945 के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और ये सिर्फ अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिस दिन 1945 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। एक चीज इसका आगे बढ़ने से पहले चीज बता दूं कि इसका जो अभी इसके जो सीईओ जो है अभी लेगार्डे जी हैं, इसके अभी सीईओ है, तो आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखे, आपसे पूछ सकता है एग्जाम के आईएमएफ का सीईओ कौन है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका नाम, ठीक है, फुल फॉर्म, इसके सीईओ लेगार्डे हैं, और 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दोस्तों मैंने इस हेडक्वार्टर, ठीक है, हाँ इसका हेडक्वार्टर भी जान लो, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर में है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और दोस्तों मैं एक चीज बोल रहा था कि हेडक्वार्टर और जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसमें देखो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैंने एक सिस्टम से बताया था कि 1945 के अंदर में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आए, 1946 के अंदर में ये, 1947 के अंदर में ये, फिर 1969 के अंदर में, 1999 के अंदर में, बहुत अच्छे से मैंने सजा दिया। अगर आपको बस उतना याद हो गया तो एग्जाम के अंदर में आपको हेडक्वार्टर और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर ईस्वी से रिलेटेड यानी कि ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं, एकदम डेफिनेटली गारंटी है, ठीक है। इतना अच्छा वो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को, ठीक है। अगर पसंद आएगा उसको तो लाइक जरूर करना और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर लेना, ठीक है। चलो
इसमें एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आईएमएफ के बारे में बात हुआ है उस वीडियो में तो देख लेना आप लोग, ठीक है। उसका आई देखो आपके ऊपर में यहाँ पर आई टैक्स डॉट आ रहा होगा, आई कार्ड उसके अंदर मैंने डाल रखा है, उस पर क्लिक करके बैठ जा सकते हो उस वीडियो में। तो आईएमएफ के बारे में बात हो रहा है तो दोस्तों मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी 1945 के अंदर में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका इसका वाशिंगटन में, इसका न्यूयॉर्क के अंदर में है, न्यूयॉर्क के अंदर में है, यूएस यूएस के अंदर में आपका इसका हेडक्वार्टर है। डेफिनेटली बहुत अमेजिंग चीज है, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। और आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर देखो, यहां पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी डैश में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है यूरोप, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है दक्षिण अमेरिका। जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। समय सलाम दोस्तों, दोस्तों पूछ रहा है कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी डैश में पाए जाते हैं, आंसर बताना है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि वैसा ज्वालामुखी जो कि तुरंत मतलब कि सक्रिय हो, मर नहीं गया है, मृत ज्वालामुखी के बारे में नहीं बात हो रहा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है इसमें बहुत लोग को साउथ अमेरिका में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, ठीक है, लेकिन बहुत जगह आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर, बहुत जगह आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो आप देख लेना, मैक्सिमम जो है प्रशांत महासागर पे आप क्लिक कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसमें चिकित्सा ढंग से आत्महत्या को, ठीक है, कानूनी करा दिया। आपके ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नीदरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त दोस्तों, देखिए आत्महत्या, खुद की आत्महत्या यानी कि इच्छा मृत्यु, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इच्छा, ठीक है, मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु जिसको हम लोग इंग्लिश में यूथेनेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। और यूथेनेशिया जो है सबसे पहले कौन सा ऐसा देश है जिसको, इसमें वैसे भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है, ठीक है, विद्रोह चल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा इस पे बहुत लोग मानते भी हैं कि सही है, बहुत लोग नहीं मानते ये सही है, ठीक है। तो एक चीज बता दूं कि सबसे पहला जो देश है इसको कानूनी रूप से सही माना है और कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर में, कानूनी रूप से सही है, वो जो देश है वो आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड पहला देश बन गया है जो कि यूथेनेशिया को कानूनी रूप से बिल्कुल सही मानता है और उस पर कोई भी गलत काम नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा जरूरत पड़े किसी इंसान को तो वो दिया जा सकता है, इसके लिए बिल्कुल राइट देता है सभी डॉक्टर्स को। तो ये है आपका यूथेनेशिया जो कि नीदरलैंड देश है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत वन क्षेत्र में कितने अनुपात में होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में, पूछ रहा है ना भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। देखो होना तो चाहिए आपको इंडिया के अंदर में, याद रखो इंडिया के अंदर में जो होना चाहिए वो होना चाहिए 33.3%, ठीक है, 33.3%। लेकिन इंडिया में अभी है कितना, इंडिया में अभी प्रेजेंटली कितना है, प्रेजेंटली आपका जो है वो 24.4% अभी बढ़ भी गया जो कि पहले और भी घटा हुआ था, ठीक है, 24.4%। अब इसमें याद रखना है कि अब एक चीज और इसमें पूछा जाता है, बोला जाता है कि इंडिया के अंदर में जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसका जो कवर है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में जो कवर है उसका कितना परसेंट है। तो याद रखना की 2.4% जो है पूरा इंडिया के अंदर में है पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी आवरण है फॉरेस्ट का उसका 2.4% इंडिया के अंदर में
बिलोंग करता है या कि इंडिया के अंदर में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने समझाया, आई होप से समझ में आ रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को यवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? आपके ऑप्शन से सत्याग्रहों पर ब्रिटिश अत्याचार सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश अत्याचार, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन, रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनियम, या फिर चौथा कलकत्ता का सांप्रदायिक ठीक है आप डंडे हैं सर, देख लेना फ्रेंड मैंने कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है और आपके टाइम स्टार्ट होता है। अब दंगे हैं दोस्तों, दंगे समय समाप्त फ्रेंड। देखो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, पूछ रहा है कि 1932 के अंदर में गांधी जी के बारे में ठीक है, उन्होंने जो ये प्रोटेस्ट किया था ठीक है किसके लिए किया था। देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि उस वक्त 1932 के अंदर में आपका एक चीज बहुत फेमस हुआ था जो यही चीज था ठीक है, प्रोटेस्ट जो गांधी जी ने किया था। तो 1932 के अंदर पहले तो ये याद रखना कि ब्रिटिश जो उस वक्त हुआ करती थी, ब्रिटिश के जो पीएम हुआ करते थे उस वक्त, उसका रैमसेस होते थे ठीक है, रैमसेस जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देख रहा ना तीन नंबर, उसके अंदर में लिखा है जो रैमसेस हुआ करते थे। और ये जो रैमसेस जो पीएम थे, ये जो इंसान थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने किया क्या था कि इंडिया के अंदर में जितने भी जाति थे ठीक है, जितने भी कास्ट थे और साथ ही साथ जितने भी धर्म के लोग थे, उन सभी को क्या अलग अलग बांट कर उनको पुरस्कार देना चाहा था। मतलब कि अगर आप सिख के हो, हिंदू के हो, मुसलमान के हो, सबको अलग अलग एरिया में, दलित के हो, एंग्लो इंडियंस के हो, सबको क्या किया अलग अलग बांट दिया और फिर सबको बोला कि आपके एरिया में आपको इसके अंदर में क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इसी चीज का विरोध कर रहे थे गांधी जी कहना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो हिंदू समाज का जो है आपका क्या है उसका विभाजन होने का डर है और बहुत कुछ होने का डर है ठीक है। बात समझ में आ रही है बात क्या हुआ था। तो इसी चीज का वो विरोध कर रहे थे गांधी जी और फिर जाके 1932 के अंदर में इन्होंने अनशन किया था। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। तो इसका आपका सही उत्तर जो है रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनियम जो है इससे बिलोंग करता है, इसका सही उत्तर आपका ये होने वाला है। बात समझ में आई, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से रिपीट सुन लो इसका पीछे बैक करके, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन के भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? आपके ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, दूसरा है सुचिता कृपलानी, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है कल्पना जोशी। आपके समय जो है स्टार्ट हो रहा है, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। समय समाप्त दोस्तों, आई होप से आपने इसका पिक कर लिया होगा आंसर, सही उत्तर पिक कर लिया होगा ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधि किसने किया था ठीक है, दूसरे का है ना गोलमेज सम्मेलन का भारत का, अच्छा गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधि किसने किया था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज बात याद रखना दोस्तों, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहले तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे ये देखो, गोलमेज सम्मेलन दोस्तों तीन हुआ, पहला 1930, 1931 और 1932 ठीक है। दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि किसके अंदर में गांधी जी ने पहले पार्ट लिया था, आपसे पूछा जाता है। तो अपने याद रखना है कि 1932 के ही एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें जो है महात्मा गांधी जी ने पार्ट लिया था ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि बताइए कि गोलमेज सम्मेलन का जो प्रतिनिधि जो थे कांग्रेस की तरफ से कौन थे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कांग्रेस की तरफ से अगर सिंपल पूछा रहे और अगर ऑप्शन के अंदर में महात्मा गांधी है तो आपको महात्मा गांधी को टिक करना है, अगर महात्मा गांधी नहीं है तो आपको ये पूछा जाता है, तो ये फिर आपको याद रखना है कि उसके अंदर में सरोजिनी नायडू जी जो थी ये आपकी कांग्रेस के कार्यकारी महिला प्रतिनिधि जो थी यही महिला थी। तो सरोजिनी नायडू जी जो है आपके ऑप्शन अगर है तो आपको ये वाला टिक करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखना कि अगर आपको पूछ ले कि दलित समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दलित समुदाय के प्रतिनिधि जो थे वो आपके भीमराव अंबेडकर
जी जो थे दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में आपको ये प्रतिनिधि रूप में आए हुए थे। किसके अंदर में? गोलमेज सम्मेलन 2 में। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखना कि भीमराव जो अंबेडकर थे इन्होंने दलित लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, हमेशा उनके लिए आगे खड़े रहते थे। तो इधर कहीं पर भी आपको दलित से रिलेटेड कुछ हो तो आपको याद रखना कि ये हो सकते हैं। ठीक है चलिए, एक चीज और इसमें याद रख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर में आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल का अगर प्रतिनिधि पूछ ले तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दल का जो प्रतिनिधि थे वो थे मदन मोहन मालवीय। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो जो चीज मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पूरे सिस्टम से मैंने बताया, आपको ये सारा कुछ याद रखना है, नोट चाहे तो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बताया रखी है। चलिए डेफिनेटली आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ करके या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा या तो ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, आप इसको टिक कर आउट कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है? आपके ऑप्शंस है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या फिर तीसरा है पृथ्वी का असमतापन। आपके सवाल स्टार्ट होते हैं। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, ध्यान देना, यहाँ पर पूछ रहा है आपको वायुमंडल के बारे में। देखिए वायुमंडल दाब का कारण क्या होता है? देखो एक चीज याद रखो, ये पृथ्वी है हमारा, है इसके चारों तरफ हमारा पूरा का पूरा क्या है, लेयर है ना, लेयर एक्सोस्फेयर। फिर अब ये सोचो कि ये लेयर है और ये हमारा अर्थ है, अर्थ क्या करता है, सारे लेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। किसके कारण अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अर्थ के पास है ही क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन बहुत बड़ा चीज है, इससे सबको अट्रैक्ट करता है। तो ये लेयर जो है इन लेयरों को इस पे अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थ पे एक आपका जो बोला जाता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो बनेगा, किसके कारण? इन लेयर्स के कारण। वो जो आप याद रख सकते हो कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है किसी भी इंसान पर करीबन 16 टन का पड़ता है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या करता है, उतने ज्यादा जो बल है उतना ज्यादा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको इक्विलिब्रियम में कर देता है, इक्वेट कर देता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर जो होगा 3 नंबर होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? और आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। और आपका समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त दोस्तों। देखिए पूछ आपसे कि अधिकतम खेती के बारे में, एक चीज याद रखना दोस्तों, इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा खेती जो है चावल की की जाती है, और इस चावल की खेती पूरे वर्ल्ड से अगर रिलेट कर ले हम लोग तो पूरा का पूरा 20% चावल पूरा अकेले इंडिया पूरा उपजाता है। तो आप समझ सकते कि 20% चावल अगर पूरा इंडिया जो है अकेले उगा लेता है इतना, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोगों को किसानों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान अगर एक दिन भी अगर अपना हल नहीं उठाएंगे तो हम लोग के लिए मरने वाली कगार पे आ सकते हैं हम लोग। ठीक है तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें हमेशा किसानों की जो है मदद करनी चाहिए, हमेशा अगर हम जो भी कर सकते जरूर करनी चाहिए, और किसानों की वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है हमेशा इज्जत करनी चाहिए। चलिए एक चीज और इससे बता दो आपको, इससे अगर चावल के बारे में या फिर ये अनाज के बारे में उठा है बात, तो याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए आपको किस चीज का उत्पादन किया जाता है, तो मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है, फिर तीसरे नंबर पे जाके आपका चावल का उत्पादन किया जाता है। ये आपका क्रम याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? और आपके ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। ठीक है और आपका समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त दोस्तों।
देखिए इसका पूछ रहा है आपको कि नियुक्ति के बारे में, राष्ट्रपति इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। देखो दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए हैं इसमें मुझे एक चीज दिख गया कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ठीक है, ये जो उपराष्ट्रपति होता है मैंने आपको पिछले जो पहले वीडियो था उसी में था या फिर शायद दूसरा वीडियो में होगा, आप देख लेना, अगर आप देखे हो तो आपको अच्छी बात है, आपको पता भी होगा कि ये जो उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया था कि इनका जो नियुक्ति करता है कौन करता है, तो मैंने बताया था कि संसद के मनोनीत सदस्यों द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती, किसकी, उपराष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही, और बाकी जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सारा का राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस क्रियाकलाप जो कहां चलता है, आपके ऑप्शन है प्रकाश बताना आपको कौन सा लाइट में, पहला जो है आपका नीला व लाल क्षेत्र में, दूसरा है प्रकाश के हरे व नीले क्षेत्र में, तीसरा आपका प्रकाश के नीले नारंगी क्षेत्र में, चौथा है प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर आपको बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। समय समाप्त फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होने वाला वो मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कुछ समझ जाओ। देखो दोस्तों प्रकाश के बारे में बात करें, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, हमेशा याद रखना तीन कलर होता है पहले, ठीक है, ब्लू रेड और बैंगनी, ठीक है, जिसको हम लोग वायलेट बोलते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना इसमें से आप कि ब्लू के अंदर में सबसे ज्यादा होता है, रेड के अंदर में सेकेंड नंबर में, और तीसरे नंबर के अंदर में वायलेट के अंदर में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। तीसरा बात, चौथा बात ये पूछा जाता है कि हरा के अंदर में होता है कि नहीं, बिल्कुल याद रखना हरा के अंदर में बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, तो हरा के अंदर में प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया जो है एकदम ना के बराबर होती है, तो ब्लू सबसे ज्यादा, रेड उसके बाद वायलेट, तो आपका सही आंसर जो होने वाला है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में अधिक होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है क्वेश्चन, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है, आपके ऑप्शन है भेड़ बकरी कुकुट या फिर पशु, तो इसका आपका सही आंसर देना है और आपके ऑप्शंस आपके सामने तो ये है ही, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त दोस्तों, देखिए पूछा जा रहा है एंग्लो नूबियन, हमेशा याद रखना इस वर्ड को, एंग्लो नूबियन जो है आपका बकरी का एक नस्ल है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल के बारे में आपको बता रहा हूं किसकी, तो कुत्ते की यानी कि डॉग की जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है वो लेब्राडर, ठीक है, लेब्राडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है कुत्ते का, और ये जो नस्ल है इसके अंदर में आपको याद रखना है कि ये जो नस्ल का जो कुत्ता होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, और जो सेना वाले जो होते हैं ना हमारे फौज के, उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छा यूज किया जाता है लेब्राडर टाइप के नस्ल के कुत्ते को, ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि लेब्राडर जो है किस चीज का नस्ल है, तो आपको आंसर बताना है, ठीक है। सब एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि संसार में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील जो है लेक सुपीरियर कहां से लिया स्थित है, कहां पर स्थित है, तो यूएसए, ब्राजील, कनाडा या फिर रशिया, आपके समय स्टार्ट होते हैं अब। समय समाप्त फ्रेंड, और इसका सही उत्तर आई होप आप सभी ने लगा लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेक सुपीरियर ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, और इसका जो आपका है वो है आपका यूएसए, ठीक है, इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बचे हैं दोस्तों मेरे पास, वैसे अगर चाहूं तो करवा सकता हूं लेकिन फिर भी, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों करवा दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट आज का कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके सामने कि पनीर किसका उदाहरण है, बहुत लोगों को बहुत कुछ आज पता चलने वाला है इससे, इमल्शन, जेल, निलंबन या फिर फैन का, आपके टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए समय समाप्त दोस्तों, देखिए इसका आंसर बताता हूं, सबसे पहले देखो जेल के बारे में, ठीक है, हमेशा याद रखना जेल में अगर आपको पूछा जाए तो किसमें, जेल के अंदर में, तो देखो कौन कौन से जेल के अंदर में आते हैं, जेली आता है,
पनीर आता है और मक्खन, मक्खन जो है इसके अंदर में आता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका, एक होता है एरोसल से भी पहले कुछ है आपका इमल्सन, ठीक है। इमल्सन आपको याद होगा, इंग्लिश में लिख देता हूं। इमल्सन जो है हमेशा याद रखना दोस्तों, इमल्सन के अंदर में आपका दूध जो है इमल्सन के अंदर में आता है, ठीक है। और एक आता है आपका फोम, जिसके अंदर लास्ट वाला है ना आपका फेन, उसके अंदर में देखो फोम के अंदर में दोस्तों की जो भी चीज आती है वो आप देखो, फोम के अंदर में आपने एक चीज देखा होगा, सेविंग वाला जो क्रीम होता है ना, सेविंग क्रीम देखा होगा, फोम सेविंग फोम जो दोस्तों। आई होप सो कि आपको ये हमारा पूरा वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा आप लोगों ने और बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पूरा पसंद आया हो, बहुत सारा नॉलेज जो मैंने आपको दिया, अगर वो सारा कुछ आपके लिए सही में आपको फील हो रहा हो कि नहीं मेरा जो नॉलेज का जो लेवल है कुछ और इंक्रीज हुआ है, मैंने बहुत कुछ आज के सेशन से सीखा, तो डेफिनेटली हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सके शेयर करो और उन लोगों को बताओ हमारे चैनल के बारे में मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ सीरीज उनके बारे में कि उनके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट आने वाले सेशन के लिए आप वेट करो, डेफिनेटली बहुत आने वाले सेशन में भी मजे आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और फिर मिलता हूं मैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।